भाजपा चास दक्षिणी मंडल में मंडल अध्यक्ष टिंकू तपाड़िया की अध्यक्षता में आयोजित बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ। बैठक में मुख्य रूप से नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी, धनबाद लोकसभा क्षेत्र प्रत्याशी ढुल्लू महतो, बोकारो विधायक वीरंची नारायण, धनबाद लोकसभा के सह संयोजक रोहित लाल सिंह, बोकारो विधानसभा के प्रभारी शेखर अग्रवाल, जिला अध्यक्ष जयदेव राय, बोकारो विधानसभा की सह संयोजक डॉक्टर परिंदा सिंह सहित कई अन्य गणमान्य भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। इस मौके पर धनबाद लोकसभा प्रत्याशी ढुल्लू महतो ने कहा कि इस बार भाजपा का 400 सीट आएगी तथा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। धनबाद लोकसभा सीट पर भाजपा प्रचंड बहुमत से जीतेगी तथा कांग्रेस पार्टी का जमानत जब्त हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी कहीं भी टक्कर में नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लोग कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के मनोज राय, कन्हैया पांडे समेत कई लोग भाजपा में शामिल हुए। इस मौके पर मंतोष ठाकुर, धीरज झा समेत भाजपा के कई नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। बोकारो से विजय आनंद की रिपोर्ट। पार्टी और पार्टी के परिवार की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ सभी भाइयों को दिवाली मनोरथा के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहिए। पीयूष राज सिंह जी, शिशिर मंडल जी, चंचल मजुमदार जी, सुशांत दास जी, शिवराज दास जी, उपेंद्र दास जी, संजय गांधी जी, नारायण केडिया जी, राजू महतो जी, धनंजय चक्रवर्ती जी, दिनेश पाल जी, विजय सरकार जी, नेपाल रची जी, संतोष दास जी, मंगल अपने ओर से अपने पार्टी के नेता हमारे बड़े हमारे भाई महापाल जी, बड़े भाई धनंजय नारायण जी, बड़े भाई गोविंद लाल जी, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे लोकसभा के प्रभारी शेखर भैया की ओर से हार्दिक हार्दिक रूप से मैं पूरा स्वागत करता हूँ, बधाई देता हूँ। और आज बहुत खुशी के साथ कहना चाह रहे हैं कि आपने प्रभु श्री राम जी को साक्षी मानकर वर्तमान समय की स्थिति को देखते हुए देश के मान स्वाभिमान को बढ़ाया।